हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नया टॉपिक। और यहाँ से जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये चेहरा डार्कनेस आ रही होगी ताकि आपको जो बोर्ड पे डेरिवेशन मिले वो एग्जैक्ट दिखाई दे, है ना। तो देखो, सबसे पहले हम आज डिस्कस करने वाले हैं लेजेंड्री अवकल समीकरण के बारे में। किसके बारे में? लेजेंड्री अवकल समीकरण। ठीक है, तो इनमें से क्वेश्चन जो है बहुत पूछा जाता है लेजेंड्री में से। 3 से 4 दिन में ये हमारे पास कंप्लीट होगा, लेजेंड्री अवकल समीकरण। तो सबसे पहले लेजेंड्री ने एक द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण मानी बनाई, है ना, जिसे हम बोलते हैं लेजेंड्री अवकल समीकरण। और ये कैसी होती है, ये देखो। 1 - x²(d2y)/dx2, 1 - x²(d2y)/dx2 -2x(dy)/dx n(n+1) क्या y=0। ये जो इक्वेशन है ना हमारी, ये कौन सी इक्वेशन कहलाती है? लेजेंड्री अवकल समीकरण कहलाती है, लेजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। 1 - x²(d2y)/dx2 - 2xdy/dx+n(n+1)(y=0)। तो ये आपको एग्जैक्ट याद रखनी है। अभी हम और भी वैज्ञानिकों की अवकल समीकरण पढ़ेंगे, तो उसके लिए अलग अलग कंडीशन होगी। तो ये तो सीधी सीधी एक इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को हम लेजेंड्री अवकल समीकरण कहते हैं। अब इस अवकल समीकरण का हम क्या निकालते हैं, हल निकालते हैं। तो लेजेंड्री ने कहा कि समीकरण जो एक है ना, का हल हम निम्न श्रेणी द्वारा दे सकते हैं, निम्न श्रेणी द्वारा दिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस है करने का, ठीक है। तो वो क्या है, y=r=0 से ∞। और इसकी वैल्यू क्या, ar(x)(k-r) इक्वेशन नंबर सेकंड। ar(x)(k) क्या, k-r इक्वेशन नंबर सेकंड। ये लेजेंड्री अवकल समीकरण है। और इसका हल जब हम इसको सोल्व करते हैं ना, तो किसका मान निकलेगा, y का। और लेजेंड्री ने कहा कि y का जो मान होता है ना, वो ये होता है, r की वैल्यू 0 से अनंत तक हो सकती है, ar(x)(k-r)। और इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो आपको ध्यान रखना है ये, ठीक है, ये कि इसका हल क्या है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना। जब आपके पास इतना हो जाए, यहाँ y की वैल्यू, ये हल इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, इसके लिए हम क्या करते हैं। देखो, इसमें 2 बार तो y का अवकलन है, 1 बार y का अवकलन है, और एक क्या है, y है। तो y तो है ही, इसका हम क्या करते हैं, dy/dx निकालते हैं। मतलब ये d2y/dx2, dy/dx और y, ये वैल्यू हम इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो सबसे पहले इसका dy/dx निकालते हैं, समेशन r=0 to ∞। समेशन r=0 to ∞ होगा। और इसका अवकलन करोगे तो ar तो ar ही रहेगा, x^n का करोगे तो n तो कहाँ जाएगा, k-r तो आगे, और x^n-1 यानी k-r-1 बन जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारे पास, dy/dx बन गया। बना लोगे dy/dx। अब देखो, इसके बाद हम क्या करते हैं, अब इसका एक बार और अवकलन निकालते हैं हम, d2y/
डी एक्स टू इज इक्वल टू, समेशन में तो कुछ नहीं कर सकते, समेशन आर इज इक्वल टू 0 to infinite, तो ए आर ऐसा का ऐसा रहेगा, के माइनस आर एज इट इज रहेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार और करो, एक्स का करेंगे एक्स की पावर एन से, तो पावर तो कहाँ जाएगी आगे, के माइनस आर माइनस वन और एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी के माइनस आर एक माइनस वन हो रहा है, एक और करोगे तो माइनस टू हो जाएगा। तो ये हमने इसका क्या कर लिया, डिफरेंशियल कर लिया, अवकलन कर लिया। अब ये मान हम किस में रख देते हैं, y डी वाई अपॉन डी एक्स और डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू के मान किस में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। तो इनकी वैल्यू हम किस में रखेंगे, एक में। फिर सुन लेना, ये अवकल समीकरण है, इसका हल ये मानेंगे, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे और फिर इसमें एक में रखेंगे, तो क्या बनेगी एक इक्वेशन, वन माइनस क्या एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की वैल्यू ये रही, समेशन आर इज इक्वल टू 0 to infinite ए आर के माइनस आर, के माइनस आर माइनस वन एक्स की पावर के माइनस आर माइनस टू। फिर आ रहा है हमारे पास माइनस टू एक्स, तो क्या लिखेंगे, माइनस क्या टू एक्स। फिर आ रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये है, समेशन आर इज इक्वल टू 0 to infinite ए आर के माइनस आर एक्स की पावर के माइनस आर माइनस वन। फिर आ रहा है प्लस, फिर लिखेंगे प्लस एन इंटू एन प्लस वन और फिर आ रही है वाई की वैल्यू, तो वाई क्या आएगा, समेशन आर इज इक्वल टू 0 to infinite ए आर एक्स की पावर के माइनस आर और ये किसके इक्वल आएगा, हमारे पास 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। ये किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। बस अब इसे ही हमें क्या करके जाना है, लास्ट तक सोल्व करते हुए जाना है, ठीक है। तो इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ और किस तरीके से हम इसको क्या करने वाले हैं, सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें देखो कि कॉमन क्या आ रहा है, क्या देखना है, कॉमन क्या आ रहा है। तो देखो कॉमन वाले इक्वेशन में यहाँ से समेशन आर बराबर 0 to infinite ए आर इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो देखो समेशन आर इज इक्वल टू 0 to infinite ए आर सब में से कॉमन आ रहा है। फिर ये ए आर तो कॉमन आ गया सब में से, इसको तो अब भूल जाओ। अब देखो वन माइनस एक्स स्क्वायर इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले वन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस टर्म में से, ए आर और समेशन हट चुके हैं, ये ए आर और समेशन कॉमन आ चुके हैं, तो वन को इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, के माइनस आर और क्या है, के माइनस आर माइनस वन और फिर क्या है, एक्स की पावर के माइनस आर माइनस टू आ रहा है। फिर आ रहा है माइनस एक्स स्क्वायर को इस पूरी से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस है, तो हम क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे माइनस क्या एक्स स्क्वायर। अब देखो सीधा लिख रहा हूँ नहीं, स्टेप्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, बढ़ जाएंगी। स्टेप्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, बढ़ जाएगी, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, सीधा लिख लेते हैं। देखो माइनस है तो माइनस तो मैंने लिख दिया, अब एक्स स्क्वायर इधर अंदर मल्टीप्लाई होगा, के माइनस आर आएगा, बिल्कुल आएगा, के माइनस आर बिल्कुल आएगा, के माइनस आर माइनस वन आएगा, के माइनस आर माइनस वन आएगा और एक्स स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, माइनस दो और है, प्लस दो और जुड़ जाएगी, प्लस दो से माइनस दो कैंसिल, एक्स की पावर क्या बनेगी, के माइनस आर बनेगी, बना लोगे, एक्स की पावर क्या बनेगी, के माइनस आर। फिर ये वाले पद पर आ जाओ, क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो हम लिखेंगे माइनस, फिर कितना आ रहा है, टू। अब देखो समेशन तो हट गया, ए आर भी कॉमन आ गया बाहर, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, के माइनस आर तो आएगा ही आएगा,
के माइनस आर तो आएगा ही आएगा, और एक्स जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, एक्स की पावर ये कितनी है, 1, और यहाँ माइनस 1 है, एक्स और एक्स घाते जुड़ जाती है, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, तो एक्स की पावर क्या रह जाएगी, के माइनस आर रह जाएगी। इतना तो जानते ही हैं हम, है ना। फिर उसके बाद लास्ट पद बच रहा है, देखो प्लस क्या आ रहा है, प्लस एन इंटू एन प्लस 1, एन इंटू एन प्लस 1 समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनिटी आर, तो कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बन रहा है, एक्स की पावर के माइनस आर, और ये किसके बराबर आ रहा है, हमारे पास 0 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, इतना हम इसको क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। अब देखो बाद वाले जो हमारे पास टर्म है, ये देखो इसमें एक्स की पावर के माइनस आर है, इसमें एक्स की पावर के माइनस आर है, और इसकी में एक्स की पावर क्या है, के माइनस आर है, तो बाद वाले पद क्या आ रहे हैं हमारे पास, कॉमन आ रहे हैं, इनमें से एक्स की पावर के माइनस आर कॉमन आ रही है, तो क्या लिखेंगे, समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर, इसमें तो कोई चेंज नहीं करेंगे, के माइनस आर एज इट इज़, के माइनस आर माइनस 1 एज इट इज़, एक्स की पावर क्या, के माइनस आर माइनस क्या 2। अब देखो ये प्लस वाला है और ये दोनों माइनस वाले हैं, तो मैं पहले क्या लिख रहा हूँ, प्लस वाला लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये देखो पहले तो एक्स की पावर के माइनस आर का गुणांक क्या है, एन इंटू एन प्लस 1 है, फिर ये वाला लिख लेता हूँ, इसमें से भी कॉमन आ रहा है, माइनस क्या, के माइनस आर इंटू के माइनस आर माइनस 1 आ रहा है, और फिर आ रहा है माइनस क्या 2 के माइनस क्या आर आ रहा है ना, और सब में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, एक्स की पावर के माइनस आर, बड़ा ब्रैकेट बंद और 0, इन तीनों में से एक्स की पावर के माइनस आर कॉमन लिया, तो ये बचेगा एन इंटू एन प्लस, ये माइनस वाला बचेगा, और ये वाला बच जाएगा। इस तरीके से हम इसको क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। अब आगे कैसे बनाएंगे, देखो इसको इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू क्या बन रहा है, इनफाइनाइट, ये तो आ रहा है हमारे पास ए आर, और ये क्या है, के माइनस आर, और ये क्या है, के माइनस आर माइनस 1, और ये बन रही है एक्स की पावर के माइनस आर माइनस 2, और देखो यहाँ आया प्लस। अब ये जो बाकी की टर्म दिखाई दे रही है, इसको मैं कैसे लिखता हूँ, देखो एन इंटू एन प्लस 1 को तो मैं एज इट इज लिखता हूँ, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से देखो माइनस और के माइनस आर, इसमें भी के माइनस आर, इसमें भी के माइनस आर, मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, कितना ले लिया, के माइनस आर, मैंने इसमें से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, देखो ये कॉमन ले लिया, माइनस भी कॉमन लिया, यहाँ से बचेगा के माइनस आर माइनस 1, ये बचेगा, माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2 बचेगा, के माइनस आर तो कॉमन आ ही गया, और बाहर क्या है, एक्स की पावर के माइनस आर और इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसके बाद जब हम इसको इतना कर लेंगे ना, तो इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, समेशन आर बराबर 0 टू इनफाइनाइट ए आर, और ये बन रहा है हमारे पास क्या, के माइनस आर माइनस 1, एक्स की पावर के माइनस आर माइनस 2, और इसके बाद इतना जब हम कर लेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे क्या, प्लस, और ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं ये एन इंटू एन प्लस 1, बन रहा है या नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है, और ये माइनस क्या, के माइनस आर माइनस के माइनस आर, और प्लस का 2 है माइनस का 1 है, तो ये बचेगा के माइनस आर, प्लस के 2 में से माइनस का 1 गया तो प्लस का 1, और ब्रैकेट बंद, और क्या, एक्स की पावर के माइनस आर इज इक्वल टू क्या, 0। इस तरीके से ये हमारे पास, और लास्ट में क्या है हमारे पास, ये तो हमारे पास बन रहा है प्लस 1, ये ब्रैकेट बंद, एक्स की पावर क्या, के माइनस आर ब्रैकेट बंद बराबर क्या, 0।
तो इस तरीके से हमने इसको क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। ठीक है, अभी देखो इतना सोल्व कर लिया ना, इससे काम नहीं चलेगा। अभी इसको हमें क्या करना पड़ेगा, और सोल्व करना पड़ेगा। कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो इक्वेशन 1 लेजेंड्री अवकल समीकरण, उसका हल माना, फिर ये बस ऐसे लगातार आप क्या करते चले जाओ, सोल्व करते चले जाओ। अभी जितने भी हम आगे पढ़ते जाएंगे ना, जितने भी वैज्ञानिकों की समीकरण पढ़ते जाएंगे, सब में यही प्रोसेस करने वाले हैं। ये देखो अब इसको सोल्व करते हैं, समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू क्या, इनफाइनाइट। ये क्या है हमारे पास, ए आर, और फिर क्या आ रहा है हमारे पास, के माइनस आर आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, के माइनस आर माइनस वन आ रहा है, फिर उसके बाद क्या है, एक्स की पावर के माइनस आर माइनस टू आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो प्लस आ रहा है, ठीक है ना, बड़े ब्रैकेट के अंदर की कहानी है सारी, एन इंटू स्क्वायर, ये बनेगा एन स्क्वायर प्लस एन, एन को एन से गुना किया एन स्क्वायर, एन को वन से गुना किया एन आ गया। ठीक है, अब उसके अंदर बन रहा है के माइनस आर, और के माइनस आर प्लस वन की कहानी बन रही है। बन रही है या नहीं बन रही, बिल्कुल बन रही है। तो देखो इसको हम कैसे सोल्व करें, के माइनस आर और के माइनस आर प्लस वन को, तो ध्यान से देखना, यहाँ हमारे पास क्या है, माइनस है। इस माइनस के माइनस आर को ये दो पद दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये बना लेता हूँ और एक वन का बना लेता हूँ। पहले इस के माइनस आर को इस के माइनस आर से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो क्या बनेगा, के माइनस आर का क्या होल स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा, के माइनस आर का होल स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस के माइनस आर का क्या होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इस के माइनस आर को किससे मल्टीप्लाई करो, वन से मल्टीप्लाई करो। के माइनस आर को किससे मल्टीप्लाई करना है, वन से, तो क्या बनेगा, माइनस के माइनस आर बन जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट बंद, क्या है, एक्स की पावर के माइनस आर, बड़ा ब्रैकेट बंद, इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, 0 होगा। ठीक है, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस के माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस के माइनस आर एक्स की पावर के माइनस आर इज इक्वल टू 0। ध्यान रखना कैसे किया है, के माइनस आर को के माइनस आर से मल्टीप्लाई किया, पहले ये के माइनस आर लो, इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस बाहर है तो के माइनस आर का होल स्क्वायर, फिर ये के माइनस आर को वन से मल्टीप्लाई करो, तो ये बनेगा के माइनस आर। इतना हम इसको क्या कर लेंगे, बना लेंगे। अब देखो जब ये इतना बन जाएगा ना, तो इसके बाद हम इसको कुछ इस तरीके से फॉर्म में बनाते हैं कि इसको सोल्व करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है, तो देखो कैसे, समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर, सब में से कॉमन आ रहा है, के माइनस आर इंटू के माइनस आर माइनस वन, और एक्स की पावर के माइनस आर माइनस टू, ये तो फर्स्ट टर्म आ रही है। फिर प्लस, अब देखो पहले मैं क्या लिख लेता हूँ, एन स्क्वायर लिख लेता हूँ, पहले क्या लिख लेता हूँ, एन स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या करता हूँ, मैं ये स्क्वायर वाला पद लिख लेता हूँ, माइनस क्या, के माइनस आर का क्या होल स्क्वायर, दिखाई दे रहा है, के माइनस आर का क्या होल स्क्वायर, फिर ये प्लस एन वाला पद लिख लेता हूँ, प्लस एन वाला, और फिर लास्ट में क्या, के माइनस आर वाला पद, ब्रैकेट बंद, एक्स की पावर के माइनस आर, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, बना लोगे ऐसे टर्म, बिल्कुल बना लेंगे। और कैसे सोल्व कर सकते हैं इसे, देखो समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, ये है हमारे पास ए आर, और ये क्या बन रहा है, के माइनस आर माइनस वन एक्स की पावर के माइनस आर माइनस क्या टू, फिर है हमारे पास क्या प्लस,
और देखो ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का। ए की जगह क्या है, एन है, और बी की जगह के माइनस आर है। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या बन रहा है फॉर्मूला, वो क्या होता है ए प्लस बी। ए क्या है, एन है, फिर प्लस बी क्या है, के माइनस आर है, और दूसरा ए माइनस बी। ए क्या है, एन, फिर माइनस करना है बी, तो माइनस के माइनस आर, माइनस से भी गुना करना है, प्लस आर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सोल्व करना है ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में। कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे सर, इजी है ना सोल्व करना। ठीक है, फिर यहाँ पीछे क्या बच रहा है देखो, प्लस ये तो सोल्व कर लिया हमने, ये बच रहा है एन, ये लिख दिया एन, फिर माइनस गुना करो, माइनस गुना किया के, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये बन गया प्लस आर। बना लोगे ना? इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। अब ये हटा देता हूँ पहले वाला, तो ये क्या बनेगा, इसको तो ये सोल्व करके लिख लिया, प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है, एन माइनस के माइनस माइनस प्लस आर, इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, कोई बुराई नहीं है, है ना। और ये सारी चीज़ें किस में आ रही थी, ये वाली, ये भी कर्ली ब्रैकेट में, ये भी किस में आएगी, कर्ली ब्रैकेट में, एक्स की पावर के माइनस आर, बड़ा ब्रैकेट बंद, और फिर क्या आ रहा है हमारे पास, जीरो आ रहा है। ठीक है, इतनी बन जाएगी इक्वेशन, बिल्कुल बन जाएगी। और सोल्व करते हैं हम, देखो इसे, समेशन आर इज इक्वल टू 0 to infinite, समेशन आर इज इक्वल टू 0 to क्या, इनफाइनाइट। फिर इसके बाद हमारे पास ये आ रहा है ए आर, और इसमें बन रहा है हमारे पास क्या, के माइनस आर, और ये बन रहा है हमारे पास के माइनस आर माइनस वन, और फिर एक्स की पावर के माइनस आर माइनस क्या 2, फिर आ रहा है क्या प्लस। अब देखो इसको और सोल्व करते हैं, ये पद और ये पद, एक तो ये और दूसरा ये, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एन माइनस के प्लस आर, एन माइनस के प्लस आर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, एन माइनस के प्लस आर कॉमन आ रहा है, तो क्या बनेगा यहाँ से, एन प्लस के माइनस आर बचा यहाँ से, और यहाँ से क्या बचेगा, प्लस वन। ठीक है, ये बचेगा एन प्लस के माइनस आर और प्लस वन बचेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन लिया, इन दोनों में से एन माइनस के प्लस आर, और यहाँ से क्या बचेगा, एन प्लस के माइनस आर, और यहाँ से वन बचेगा। बाहर क्या है, एक्स की पावर के माइनस आर, और ये 0 के बराबर। ठीक है, अब इसको हम लास्ट क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगी हमारे पास ये इक्वेशन, समेशन आर इज इक्वल टू 0 to infinite, ये क्या है हमारे पास, ए आर, फिर ये क्या है हमारे पास, बड़ा ब्रैकेट में, ये क्या है, बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है, बड़े ब्रैकेट में है, तो इसको बड़े ब्रैकेट में लिख दिया, और यहाँ पर क्या बच रहा है हमारे पास, के माइनस आर, के माइनस आर, के माइनस आर माइनस वन, और एक्स की पावर के माइनस आर माइनस टू, एक्स की पावर के माइनस आर माइनस टू, फिर आ रहा है प्लस, तो इसको क्या लिखेंगे हम, प्लस लिखेंगे, फिर एन माइनस के प्लस आर आएगा, एन माइनस के प्लस क्या आएगा, आर आएगा, और फिर ये वाली टर्म बच रही है पूरी की पूरी, एन प्लस के माइनस आर प्लस वन, है ना, और एक्स की पावर क्या, के माइनस आर, और ब्रैकेट बंद, बराबर क्या, 0। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हम इक्वेशन नंबर थर्ड को क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन थर्ड बनाने आनी चाहिए, क्योंकि ये जो इक्वेशन थर्ड है ना, हमारे पास बहुत काम में आने वाली है। क्लियर है? बाकी अब मैं मिटाता हूँ, फिर इसके बाद हम
इसको करते हैं। ठीक है, अब देखो इक्वेशन नंबर थर्ड हमारे पास कैसे बनेगी वो भी तो देखना है ना हमको। अरे बन गई यार, ये तो बनेगी क्या, है ना। तो इसको यहाँ लिख लेता हूँ, समेशन आर बराबर 0 to ∞ आया, ए आर आया, और फिर ये क्या है, के माइनस आर है, के माइनस आर माइनस वन है, एक्स की पावर क्या है, के माइनस आर माइनस टू है, फिर क्या है, प्लस एन माइनस के प्लस आर है, फिर एन प्लस के माइनस आर प्लस वन है, और एक्स की पावर के माइनस आर है, इज इक्वल टू, इसको हम ब्रैकेट में भी बंद करते हैं, 0। और ये हमारे पास आई है इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, क्या आई है हमारे पास, इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। ठीक है, अब इसके बाद इसको कैसे सोल्व करना है वही तो देखना है हमको। अब लेजेंडर क्या कहता है वो देखना हमें, वो क्या कहता है कि ये जो समीकरण है, कौन सी समीकरण, कौन सी इक्वेशन, तीन, ये है आर के प्रत्येक मान के लिए, क्योंकि आर वाली की 0 से ∞ तक के लिए, आर के प्रत्येक मान के लिए, आर की कोई भी वैल्यू के लिए, जो इक्वेशन तीन है, आर की किसी भी वैल्यू के लिए क्या होनी चाहिए, संतुष्ट होनी चाहिए, है ना, और होनी भी चाहिए। जो इक्वेशन हमें मिल गई है वो आर की वैल्यू, इसमें 0 to ∞ है, तो आर के सभी वैल्यूज के लिए, सभी मानों के लिए क्या करनी चाहिए, संतुष्ट होनी चाहिए। क्लियर है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं हम, एक्स की जो उच्चतम घात है, एच की जो उच्चतम पावर है, हाईएस्ट पावर है, उच्चतम घात है, के गुणांक के मान को, कोफिशेंट जो होगा मान को, किसके बराबर करते हैं हम, शून्य के बराबर करते हैं, शून्य के बराबर करते हैं। ये कौन कह रहा है भैया, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ, है ना। ये इक्वेशन अगर मेरे घर पे बनी होती ना तो इसमें लड्डू का तो स्वाद आता। ठीक है, तो वो तो बनी नहीं है ये, है ना। तो शून्य के बराबर करेंगे इसका गुणांक, कैसे करेंगे, इसके लिए इसने क्या किया है, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले माना आर की वैल्यू कितनी रखूं मैं, 0 रखूं। ठीक है, हाईएस्ट पावर देखो कौन सी होगी, यहाँ देखो एक्स की पावर के माइनस आर है, और ये एक्स की पावर के माइनस आर, उसमें से भी -2 कम है, तो हाईएस्ट पावर आप कौन सी देखोगे यहाँ पर, एक्स की पावर के माइनस आर को देखोगे, किसको देखोगे, एक्स की पावर के माइनस आर, और आर बराबर 0 पर आर की वैल्यू क्या लोगे, 0 लोगे, और गुणांक को 0 करोगे। देखो समेशन हट ही जाएगा क्योंकि आर की वैल्यू 0 ले रहे हैं, एक्स की पावर के माइनस आर ये दिखाई दे रहा है, इसका गुणांक क्या है, ये पूरा है, तो ये लेते हैं हम, क्या आएगा देखो, एन माइनस क्या के, आर की वैल्यू क्या रखनी है, 0, आर की वैल्यू 0 पर जो हाईएस्ट पावर है ना उसके गुणांक को क्या करना है, 0, तो आर की वैल्यू 0 रखेंगे तो एन माइनस के, इसमें भी आर की वैल्यू 0 रखेंगे तो एन प्लस के प्लस वन, ये किसके बराबर आएगा हमारे पास, 0 के बराबर आएगा। ठीक है, साथ में ए आर और गुना हो रहा है, ये इसमें भी तो गुना होगा, तो इसको भी लिख देते हैं हम, इसको भी लिख देते हैं क्या, ए 0, आर की वैल्यू हमने कितनी रखी है इसमें, 0 रखी है, आर की वैल्यू कितनी रखी है हमने, 0 रखी है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए 0 भी लिख देंगे। देखो दिखाई नहीं दे रहा, दोबारा लिख देता हूँ, ए आर इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है, तो आर की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए 0, और ये पद बच रहा है एक्स की कार, यही गुणांक है,
इसमें भी एन माइनस के आर की वैल्यू जीरो, और यहाँ एन प्लस के आर की वैल्यू जीरो प्लस वन इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा। अब वो क्या कहता है, कौन लेजेंडर कहता है कि इस अवकल समीकरण में, इस अवकल समीकरण में जो इसने बनाई है, उसने कहा है कि ये जो नियतांक है ना ए नॉट, ये जीरो के इक्वल नहीं हो सकता भैया। ये कौन कह रहा है हमारे पास, लेजेंडर कह रहा है। लेजेंडर कह रहा है कि जो ये ए जीरो बन रहा है ना, वो किसके इक्वल नहीं हो सकता, जीरो। तो ये जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, तो जीरो के इक्वल कौन होगा, एन माइनस के और एन प्लस के प्लस वन ही किसके इक्वल होंगे, जीरो के इक्वल होंगे। तो यहाँ से एक बार इसको जीरो कर देता हूँ और एक बार इसको जीरो कर देता हूँ। एन माइनस के को मैंने जीरो कर दिया और एक बार एन प्लस के प्लस वन को मैंने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। एक बार तो किसको जीरो किया मैंने, एन माइनस के को जीरो किया, और एक बार किसको जीरो किया, एन प्लस के प्लस वन को जीरो कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास किसके मान आएंगे, के मान आएंगे, कितने मान आएंगे, दो। यहाँ से के का मान क्या आएगा, के बराबर आएगा किसके, एन के। और यहाँ से के की वैल्यू जो आएगी ना, वो क्या आएगी, इसको इक्वल के बाद ले जाओ एन को और वन को, तो क्या आएगी, माइनस एन माइनस वन आएगी। ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, के की वैल्यू है, ठीक है। तो के की कितनी वैल्यूज आएंगी हमारे पास, दो वैल्यूज आएंगी। इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं हम, इसके बाद क्या रख के देखते हैं हम, आर की वैल्यू वन रख के देखते हैं, आर की वैल्यू वन। अगर हम इसमें आर की वैल्यू वन रखते हैं, तो देखो ये ए आर इसका ही गुणांक देख रहे हैं ना, तो ये ए आर भी तो इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ए और एक्स की वैल्यू कि आर की वैल्यू कितनी रखी, वन, ए वन इसमें रखोगे तो क्या बनेगा, एन माइनस के प्लस क्या, वन। एन माइनस के प्लस वन इसमें रखोगे तो क्या बनेगा, एन प्लस के माइनस वन प्लस वन, ये किसके बराबर करेंगे, जीरो। फिर सुन लो कर क्या रहे हैं, एक्स की जो उच्चतम घात है, एक्स के माइनस आर और ये माइनस दो कम हो रहा है, ये उच्चतम घात रहेगी। तो इसका गुणांक क्या है, ये है, साथ में ए आर भी मल्टीप्लाई हो रहा है इससे। तो आर की वैल्यू कितनी रख रहे हैं, वन, तो क्या बनेगा, ए वन। इसमें वन रखोगे तो एन माइनस के प्लस वन बनेगा, इसमें भी वन रखोगे तो क्या बनेगा, एन प्लस के, आर की वैल्यू माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है। हो जाएगा सोल्व, इसको सोल्व करते हैं। वन से क्या कैंसिल, वन, ए वन एन माइनस के प्लस वन और एन प्लस के इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें तीन पद आ रहे हैं, ए वन एन माइनस के प्लस वन एन प्लस के इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर ये जो एन माइनस के प्लस वन है ना, ये जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, और एन प्लस के भी किसके इक्वल नहीं हो सकता, जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। सर क्यों नहीं हो सकता, अगर मैंने एन प्लस के को जीरो के इक्वल कर दिया, तो एन की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के आ जाएगा, है ना। तो यहाँ एन की वैल्यू पहले ही, के की वैल्यू क्या निकाल चुके हैं हम, एन। फिर तो आप कहोगे सर आप तो ना बेकार की बात करते हो, कभी किसके बराबर कभी किसके बराबर, के की वैल्यू दो हो गई, एक तो कौन सी हो गई, माइनस एन, और एक कौन सी हो गई, के की वैल्यू एन। ऐसे ही इसको बराबर करोगे तो के की वैल्यू क्या आएगी, अगर एन माइनस के प्लस वन को जीरो के बराबर कर दिया ना, तो यहाँ से के की वैल्यू के इधर गया, एन प्लस वन आएगी। सर यहाँ तो आ रही थी माइनस एन माइनस वन, ये क्या कर रहे हो आप। तो ध्यान रखना कि यहाँ ये दोनों जीरो के बराबर नहीं हो सकते। तो फिर यहाँ लेजेंडरी ने कहा कि चलो ए वन ही जीरो के बराबर होगा। कौन
कौन बराबर होगा? A1 जीरो के बराबर होगा। और A0 उसने क्या माना है? A0 इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये A0 जो है ना वो किसका नियतांक है? लेजेंड्रे का नियतांक है। A0 किसका नियतांक है? लेजेंड्रे का नियतांक है। आ गई बात समझ में? A1 हमारे पास क्या आने वाला है? जीरो आने वाला है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम गुणांकों को सामान्य रूप में व्यक्त करेंगे। गुणांकों को सामान्य रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना है भैया, ध्यान से, है ना। देखो सारा मैथमेटिकल है ना, इसको कैसे प्रॉपर बना के दूंगा। देखो एक एक चीज में आपको इसको कैसे बनाएंगे। देखो यहाँ x की पावर क्या है? k-r, और यहाँ x की पावर k-r-2। अगर हमें सामान्य रूप में बनाना है ना, तो इन दोनों की पावर सेम करो, इन दोनों की पावर क्या करो? सेम करो। ठीक है, फिर उसको गुणांकों को क्या करना है? शून्य के बराबर करना है। मैं क्या करता हूँ, एक्स की पावर k-r, हाईएस्ट टर्म जो है, के गुणांकों को शून्य के बराबर करने पर। अब आप क्या होगे, सर इसमें तो एक्स की पावर k-r-2 है और इसमें एक्स की पावर k-r है, और आप कह रहे हो एक्स की पावर k-r के गुणांकों को शून्य के बराबर करने पर है। मैं नहीं कह रहा, लेजेंड्रे कह रहा है। उसके लिए देखो क्या कर रहे हैं, इसमें तो एक्स की पावर हमारे पास है क्या? k-r। इसमें एक्स की पावर k-r-2, तो ये जो प्रथम पद है ना, ये दिमाग खराब कर रहा है, इसलिए हम इसमें r की वैल्यू जो है ना वो पुट कर देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम, इसमें r की वैल्यू बना देंगे, और ये जो r की वैल्यू हमारे पास होगी ना, ठीक है, ये जो r की वैल्यू हमारे पास होगी वो कितनी होगी? r-2 पुट कर देते हैं। r की वैल्यू क्या रख देंगे? r-2। प्रथम पद में x की पावर n i को शून्य के बराबर, प्रथम पद में फर्स्ट टर्म में r की वैल्यू क्या रखनी है? r-2, ताकि ये x की पावर k-r का है, तो ये भी क्या बन जाए? x की पावर के माइनस। सर कैसे बनेगा? देखो x की पावर के फिर माइनस आ रहा है, r की जगह क्या रख दोगे? r-2 रख देंगे, फिर क्या आएगा? -2। तो x की पावर के माइनस से गुना किया, माइनस आर, माइनस माइनस क्या हुआ? +2। फिर ये क्या आया? -2। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। x की पावर के माइनस आर बन जाएगी अगर, तो दोनों सेम हो जाएंगे ना गुणांक, फिर इनके गुणांक ले लेंगे हम। ठीक है, ये किसने कहा? लेजेंडर ने। ठीक है, तो अब देखो समेशन इसमें भी है और समेशन दूसरे पद में भी है, तो समेशन तो छोड़ दो, ये कट जाएगा। बाकी क्या है, फर्स्ट पद में जो गुणांक है वो लेने हैं, समेशन इसमें भी है, समेशन इस पद में भी होगा, हट जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से समेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। ए आर है, ए आर है, प्रथम पद है, आर की जगह क्या रख देंगे? r-2 रख देंगे। ओहो, 2 सुंदर नहीं लग रहा, ये ले अब लगेगा। ठीक है, तो r की जगह क्या आ जाएगा? r-2 आ जाएगा, लिख देंगे r की जगह r-2। फिर उसके बाद क्या आ रहा है? ये आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? k, फिर आता है माइनस। अब हम r की जगह क्या लिखेंगे? r की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर? r की जगह हम क्या लिखेंगे? r-2। ठीक है, तो ये बनेगा r-2, r की जगह r-2। फिर आ रहा है ये ब्रैकेट, यहाँ पर क्या है? k-r की जगह r-2, और फिर -1। ठीक है, ये बना, और इसका तो गुणांक लिया, ये x की पावर k-r, इसे तो लेना नहीं है, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद। फिर इस पर आएंगे प्लस। अब देखो
ए आर जब इसमें मल्टीप्लाई होगा ना फर्स्ट पद में, तो आर की जगह आर माइनस वन टू रखना पड़ेगा इसमें। और ए आर जब सेकेंड पद में होगा ना, जब कुछ नहीं करना है क्योंकि इसमें एक्स की पावर के माइनस आ रही है, तो ए आर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो क्या रहेगा, ए आर ई, क्योंकि सेकेंड पद में नहीं लिख रहे हम। और फिर क्या रहेगा पूरा पद, एन माइनस के प्लस आर, और यहाँ पर क्या बनेगा, एन प्लस ये क्या बन रहा है के, ये बन रहा है माइनस आर, ये बन रहा है प्लस वन, और कहानी खत्म। और ये किसके बराबर करना है, हमें जीरो के बराबर करना है। गुणांक ले लिया एक्स की पावर के माइनस आर के। और यहाँ से देखो अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा सोल्व और कर लेता हूँ, थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ। क्या बनेगा देखो, ए आर माइनस टू, ए आर माइनस टू, और इसको सोल्व करो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा के माइनस गुना करो माइनस आर, ये माइनस अंदर गुना होगा प्लस टू, के माइनस आर प्लस टू। इसके बाद के, ठीक है, ये माइनस आर मल्टीप्लाई होगा माइनस आर, ये माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई होगा प्लस टू प्लस टू, और यहाँ माइनस वन बच रहा है माइनस वन। ओहो सर जी बहुत बड़ा है, क्या करें, ए आर आएगा और ये एन माइनस के प्लस आर, और एन प्लस के माइनस आर प्लस वन किसके इक्वल कर दिया हमने, जीरो के इक्वल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से जब इतनी कहानी खत्म हो जाएगी ना, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे ध्यान से देखना, ए आर की वैल्यू निकाल लेंगे। किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ये ऊपर से मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से हम मिटा देते हैं, यहाँ से भी हमारे पास कोई काम नहीं हो रहा, तो क्या आएगा देखो, ये ए टू नहीं है, ये क्या है, ए आर है। गलती लगन ढूंढने से भी नहीं मिलता फिर, है ना। ए आर को इक्वल से पहले लिखा मैंने, ए आर एन माइनस के प्लस आर, और एन प्लस के माइनस आर प्लस वन किसके बराबर लिख सकते हैं, इसको बराबर के बाद ले जाओ, माइनस ए आर माइनस टू, और ये बनेगा के माइनस आर प्लस टू, और के माइनस आर प्लस, और टू में से वन गया तो ये बनेगा वन। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे किसकी वैल्यू, ए आर की वैल्यू, और ए आर की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ये बन रहा है हमारे पास क्या, के माइनस आर प्लस टू बन रहा है। ए आर की वैल्यू क्या बन रही है, के माइनस आर प्लस टू। दूसरा पद क्या है, के माइनस आर प्लस वन अपॉन, इसका हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें यहाँ पर, तो ये बन रहा है एन, एन भी बन रहा है क्या, एन माइनस के प्लस आर बन रहा है, बन रहा है ना एन माइनस के प्लस आर। और दूसरा पद क्या है, एन प्लस के माइनस आर प्लस वन, ए आर की वैल्यू ये डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर क्या है, ए आर माइनस टू, ये किसकी वैल्यू बन गई हमारे पास, ए आर की वैल्यू बन गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये डेरिवेशन को बना लिया, और इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अगर इक्वेशन नंबर थर्ड नहीं दी है तो थर्ड दे लेना, ये ऊपर लिखी थी उसे दे दी थी, और ये इक्वेशन नंबर 4 दे दी। ठीक है, बहुत ही बड़ा डेरिवेशन है, और चाय नाश्ता खा के तैयार रहना, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे की कहानी करने वाले हैं। ठीक है।